अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओबल पे बात कर रहे थे हम, और ओबल जो ऑब्लिक की एग्जांपल्स देख रहे थे, इंग्लिश की एग्जांपल्स देखी थी, और फिर उर्दू की पहली एग्जांपल देखी थी, लड़की कोयटा से आई थी, जिसमें लड़की जो है वो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे गलती से गलती से ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसे सब्जेक्ट होना चाहिए, और कोयटा से जो है वो ओबल है, और ये लड़की और कोयटा दोनों जो हैं वो चाइल्ड हैं वर्ब आई के। एक एग्जाम्पल ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल, लड़का घर गया। अच्छा, लड़का घर गया तो लाजमी नहीं कि अगर कोई चीज किसी चीज के बाद आपके केस मार्कर नहीं है तो आप उसे ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करें। यहाँ पे घर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेंट है। एक यूनिवर्सल डिपेंडेंसी की टर्म में नॉन कोर आर्गुमेंट है। कोर आर्गुमेंट वो है जो एक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मली जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। उसके अलावा दूसरी चीजों को यहाँ पे नॉन कोर आर्गुमेंट कहा गया है। तो कोर आर्गुमेंट क्या होते हैं, नॉन कोर आर्गुमेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट कौन या आर्गुमेंट क्या होते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट या नॉन आर्गुमेंट क्या होते हैं, इस पे बहुत लिटरेचर है कि किस चीज को हमें पार्टिसिपेंट कहना चाहिए या आर्गुमेंट कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए। तो ये घर जो है ना वो नॉन कोर आर्गुमेंट है यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज की टर्म में, क्योंकि ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ना इस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो लड़का घर गया में लड़का जो है वो नॉमिनल सब्जेक्ट है, और ये आर घूम कर रूट तक आ रही है। घर जो है वो ऑब्लिक है वर्ब गया के, और ये रिलेशन हमेशा जो है वो वर्ब का नाउन के साथ ही ऑब्लिक रिलेशन बनता है, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बनता है। तो पिछले वाले एग्जांपल में भी देख लें, कोयटा से आई थी, तो आई और कोयटा के दरमियान में ऑब्लिक रिलेशन बन रहा है, और से जो है उसका केस है। तो ये घर भी ऑब्लिक रिलेशन है। बहुत सारे ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क्स में ये कहेंगे कि ये घर पार्टिसिपेंट है, और इस वजह से ये तरह से आर्गुमेंट है, इस वजह से ऑब्लिक होना चाहिए। आज अगर यहाँ पे होता तो वो ऑब्लिक नहीं होता, बल्कि एडजंक्ट होता। लेकिन यूनिवर्सल डिपेंडेंसी इन दोनों में फर्क नहीं करती। फिर आ जाए एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, लड़की ने आज लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी। अब इसमें फ्रेजेस कौन से हैं? यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज तो फ्रेजेस को नहीं मानती, वो वर्ड्स के दरमियान, वर्ड और वर्ड के दरमियान में रिलेशन होता है। लेकिन लॉजिकली अगर हम कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से देख रहे हो तो पढ़ें, हेड वर्ड हेड है, और उसके साथ क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड हैं। लड़की ने एक फ्रेज आज, दूसरा फ्रेज लाइब्रेरी में, तीसरा है और फिर किताबें, और हमें इन चारों के रिलेशन बताने हैं। तो पढ़ें का लड़की के साथ क्या रिलेशन है, पढ़ें का आज के साथ क्या रिलेशन है, पढ़ें का लाइब्रेरी के साथ क्या रिलेशन है, और पढ़ें का किताबों के साथ क्या रिलेशन है। तो पढ़ें और लड़की में सब्जेक्ट होगा नॉर्मली, ये हमें पता है, सब्जेक्ट टेस्ट के बगैर हम देख सकते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि लड़की ने आज लाइब्रेरी में अपनी किताबें पढ़ी, तो अपनी जो है वो लड़की को की तरफ जा रहा है, किताबों की लाइब्रेरी की तरफ नहीं जा रहा, तो इसलिए लड़की जो है वो सब्जेक्ट है। उसके अलावा किताबें जो हैं वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा, फिर ये जो आज और लाइब्रेरी में जो है, आज भी ऑब्लिक है और लाइब्रेरी में भी ऑब्लिक है। अच्छा, ये ऑब्लिक पिछले वाले ऑब्लिक से मुख्तलिफ है कि वो पिछले वाले ऑब्लिक में तो वो पार्टिसिपेंट होते हैं, ये पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि ये टेम्पोरल या और टेम्पोरल और लोकेशनल मॉडिफायर हैं, यानी ये बताने की ये इवेंट किस टाइम पर हुआ और किस जगह पर हुआ, ये दो चीजें बता रहे हैं। लेकिन इनको भी यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में ऑब्लिक कहा जाता है, कि हम परेशान ना हों कि लाइब्रेरी में किताबें पढ़ें, ये कोर, ये पार्टिसिपेंट है या ये लोकेशन मॉडिफायर है, हम इसमें कंफ्यूज ना हों। तो उन्होंने दोनों चीजों का नाम एक ही रख दिया है कि वो ऑब्लिक है। तो ये वो जो हमने कहा था, ये इसकी फॉर्म लिखी हुई है। पढ़ें जो है मेन वर्ब है, रूट है सेंटेंस का, उसका सब्जेक्ट
लड़की है, उसका शाबाश। दरअसल आज की चीजों में बहुत सारी चीजें जल्दी से हुई हैं, तो वर्ब का अब यूडी पाइप पे मैं और कम भरोसा करूंगा और आइंदा हाथ से ही टाइप कर दिया करूंगा। तो उसका ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे जो केस लिखा हुआ है वो केस नहीं है बल्कि वो ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने यूडी पाइप पे ही भरोसा किया था, एक नजर देखा, कोई ऑब्वियसली गलती नजर आई तो चेंज कर दिया, वरना मैंने यूडी पाइप से पास करके कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन वो सिंपल पे भी डील नहीं कर पा रहा। और ये यूडी पाइप का मसला नहीं है, पार्सर का मसला नहीं है, मसला ये है कि ट्रेनिंग डाटा बहुत कम है। तो ट्रेनिंग डाटा अगर बहुत ज़्यादा होता तो ये अच्छे रिजल्ट देता, क्योंकि ये ट्रेनिंग डाटा कम है तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो किताबें एज आ उसने एडजेक्टिव पार्स किया, ये गलत है। और उसके इन वर्ब और किताबों के दरमियान में रिलेशन जो होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा। तो अगर मैं यहीं पे, इसमें वाइट बोर्ड होता है ना एनोटेट का, अगर मैं यहां लिखूं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये केस नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। यूडी पाइप पार्सर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये फिर बात की, ये पार्सर्स की खामी नहीं है, इंग्लिश पे वो अच्छा चल रहे हैं। दरअसल ट्रेनिंग डाटा बहुत कम है, जितना बड़ा ट्रेनिंग डाटा उन्हें चाहिए होता है, और उर्दू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ज्यादा होती हैं, तो उसके हिसाब से ये कम है, इस वजह से ये गलतियां करता है। तो ये केस के बजाय क्या कहते हैं, मिट जाएगा, चलें बस, ये केस के बजाय ये ऑब्जेक्ट है। और ये किताबें की बजाय, एडजेक्टिव के बजाय ये नाउन है। तो पढ़ें, किताबों के साथ नाउन है, उसके बाद आज जो है वो पढ़ें, पढ़ी का ऑब्लीग है, और लाइब्रेरी भी जो है ना पढ़ी का ऑब्लीग है, और उसका केस में है, लाइब्रेरी का केस में है। तो चार रिलेशन से ना, लड़की सब्जेक्ट हो गया, किताबें ऑब्जेक्ट हो गया, और आज जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो गया, और लाइब्रेरी भी ऑब्जेक्ट हो गया, आज ऑब्लिग हो गया और ये भी ऑब्लिग हो गया, ठीक है। तो लड़की ने आज को एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। एडवर्ब इसे मॉडल कर सकते हैं। यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में तीन चीजें, इन तीन चीजों को हम हमेशा, यानी तीन कॉन्सेप्ट हैं, नाउन मॉडिफायर, कोई ये कह सकता है ये नाउन मॉडिफायर है, कोई ये कह सकता है एडवर्बियल मॉडिफायर है, कोई ये कह सकता है ऑब्लीग है। लेकिन यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ने डिफाइन ये कर दिया कि वर्ब और नाउन के दरमियान जो रिलेशन होगा वो सिर्फ ऑब्लीग ही होगा। एडवर्ब्स की डेफिनेशन वर्ब लेवल पर इन्होंने बहुत छोटी कर दी है। तो डेफिनेशन वही होती है कि जब हम फ्रेमवर्क बनाते हैं तो वो फ्रेमवर्क उसे किस तरह से डिफाइन कर रहा होता है। तो बहुत सारी जगहों पे इसे एडवर्बियल मॉडिफायर कहेंगे, और इसे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे, और ये एडवर्बियल रिलेशन कहेंगे। ये होता है, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज ने ये फिक्स कर दिया है कि वर्ब के साथ जो एडवर्बियल फ्रेज जिसे हम कहते हैं वो भी आ रहे होंगे, या पोस्टपोजिशन फ्रेज भी आ रहे होंगे, या नाउन फ्रेज भी आ रहे होंगे। तो वो जितने भी वो मॉडिफाइंग चीजें हैं, जिसे आम तौर पे एडवर्बियल मॉडिफायर कहते हैं, एडवर्बियल्स कहते हैं, वो बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ने कह दिया उन सबको हम ऑब्लीक कहेंगे। उससे पहले ये, और एडवर्ब्स की डेफिनेशन उन्होंने सिर्फ आगे जाके देखेंगे कि सिर्फ वो नहीं बचा है, नहीं के अलावा,
और कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनके अलावा नहीं है, तो एडवर्ब वर्ब लेवल एडवर्ब्स की डेफिनेशन बहुत कम कर दी है. नाउन के साथ जो मॉडिफायर आ रहा है, एडजेक्टिव्स के साथ जो मॉडिफायर आ रहा है, उसे तो एडवर्ब्स कह रहे हैं, लेकिन इनको एडवर्ब्स नहीं कह रहे बल्कि इनको ऑब्लीक कह रहे हैं. तो इसीलिए वेल डिफाइंड बात है. ये जो सवाल आपने पूछा है ये बिल्कुल सही है कि ये ऐसा हो सकता है. मतलब अगर कोई नॉर्मली ग्रामर पढ़कर आ रहा हो तो उसका पहला वो ये कहेगा कि इनके दरमियान में एडवर्ब रिलेशन है. लेकिन यहाँ पे जो इस वाले पे उन्होंने जो डिफाइन किया है, उन्होंने कह दिया है जो टेम्पोरल और लोकेशनल चीज़ें हैं उन सबको टेम्पोरल एंड लोकेशनल मॉडिफायर्स को ओबल कहेंगे यूनिवर्सल डिपेंडेंसी में, इसलिए हम ओबल कहेंगे. तो ये एक डेफिनेशन है जो उन लोगों ने जिन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी है. ये डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से मुख्तलिफ है. तो जो डेफिनेशन आप कह रही हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड करने के लिए, और इससे पहले जो LFG है वो भी ये कर रहा था कि ये जो इनको वो या तो ऑब्लिक कहता था या एडजंक्ट कहता था ग्रामेटिकल रिलेशंस पे. वहां पे तो एडवर्ब नाम का कोई रिलेशन होता ही नहीं था. यहाँ पे फिर भी ये है कि नहीं, अगर नेगेशन आ रही है तो उसके लिए उन्होंने एडवर्बियल मॉडिफायर रख दिया. तो एडवर्बियल को नॉर्मली इनकरेज नहीं किया जाता एक वर्ब के तौर पे. वैसे भी कहते हैं कि एडवर्ब उन चीज़ों को रिलेशंस को बता रहा होता है जो जो वेल डिफाइंड नहीं होते. तो अगर ये सब्जेक्ट रिलेशन है, ऑब्जेक्ट रिलेशन है, डिटरमाइनर रिलेशन है, और इस ये सारे स्पेसिफाइड रिलेशन है, ये सारे रिलेशंस हैं, इनके अलावा कोई रिलेशन नज़र आ रहा है तो हम कह देते हैं कि वो एडवर्ब्स का रिलेशन है. तो एक तरह से वो मिसलिनियस एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फॉर मिसलिनियस रिलेशंस. तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है इन लोगों की वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब्स की डेफिनेशन अगली वाली एग्जांपल एक स्लाइड के बाद आ जाएगी, लेकिन ये जो सारे रिलेशन हैं इन्हें हम ऑब्लिक कहते हैं. इसीलिए ये सारी मिसालें मैं सामने दे रहा हूँ कि अगर नॉर्मली आप ग्रामर पढ़कर डायरेक्ट आ जाएं और ये कंप्यूटेशनल ग्रामर में LFG और उसके बाद यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज, इन दोनों ने ऑब्लिक की डेफिनेशन को बढ़ा दिया है और वर्ब लेवल पर एडवर्ब्स की डेफिनेशन को कम कर दिया है. तो ये ऑब्लिक्स हैं इस फ्रेमवर्क में. अगर हम कोई नया फ्रेमवर्क बनाएं तो हम एडवर्ब को, जो बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में लिखा हुआ हो सकता है कि इन सबको कह दें कि ये सारे एडवर्बियल मॉडिफायर्स हैं, तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें ऑब्लिक कहा गया है. और एडवर्ब्स को बिल्कुल ही जिन चीज़ों को हम डिफाइन नहीं कर सकते वो उनको फिर एडवर्ब्स कह रहे हैं. इन्हें कोशिश की गई थी कि एडवर्ब को अवॉइड ही कर दें, लेकिन बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पाए तो चंद चीज़ों को नाम दिया गया. अच्छा, ये फिर उन्हीं का रिलेशन था. तो जो सही वाले हैं कम से कम उन्हें तो हम देख लें. यहाँ से देख लेते हैं. लड़की नंबर सेवन पढ़ी है, उसका नाउन सब्जेक्ट है, नॉमिनल सब्जेक्ट है, आज नाउन है और ये ऑब्लीग है पढ़ी का. लाइब्रेरी ये भी ऑब्लीग है पढ़ी का जो नंबर सेवन है. ने जो है वो एट पोजिशन है और ये केस है नंबर वन का, ये लड़की का. मे जो है ये भी एट पोजिशन है और ये केस है नंबर फोर का ऑब्लिक का. और ये किताबें वाली लाइन गलत है. एडजेक्टिव की जगह नाउन होना चाहिए था और केस की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए था. बाकी पढ़ी जो है वो नंबर सेवन जिससे सारे लोग आके कनेक्ट हो रहे हैं. तो जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एडवर्बियल वाली बात बिल्कुल सही थी और इसीलिए ये एग्जांपल्स आपके सामने से मैं गुजार रहा हूँ कि यूनिवर्सल डिपेंडेंसी पे काम कर रहे होंगे तो इन्हें यहाँ पर ऑब्लिक कहा जाता है. LFG से आने वाले भी क्लियर हो जाएं कि ऑब्लिक और एडजंक्ट को मिला के वर्ब लेवल पर ऑब्लिक ही कहा जा रहा है. और जनरल ग्रामर में जिनको एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता था यहाँ पर उनको उन एडवर्बियल फ्रेजेस को भी ऑब्लिक से ही मार्क किया जा रहा है. अच्छा, लड़के ने ग्लास में पानी भरा.
अच्छा, अब इसमें लड़के ने ग्लास में पानी भरा, अब ये ग्लास लड़के जो है वो सब्जेक्ट है ना, चैट में मैसेज आया है, मैं मैसेज पढ़ लूं। अच्छा, लड़के ने ग्लास में पानी भरा, लड़के सब्जेक्ट है, ग्लास में, अच्छा ग्लास में पार्टिसिपेंट है या नहीं है, लड़के ने पानी भरा ये वाला एक्शन काफी है, पानी ऑब्जेक्ट है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। एलएफजी में होते तो ये बहस हो रही होती कि ग्लास में जो है वो पार्टिसिपेंट या आर्गुमेंट है भरना का या नहीं है, तो इसे ऑब्लिक होना चाहिए, ये एडजंक्ट होना चाहिए। उसी मसले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये कह दिया गया कि वर्ब्स का नाउन के साथ जब भी रिलेशन बनेगा वो हमेशा ओबल का ही बनेगा, तो ग्लास में ऑब्लिक है, ये एडजंक्ट भी हो सकता है कि, और ये कोर और ये एक आर्गुमेंट के पार्टिसिपेंट भी हो सकता है। तो वैसे ये लड़के ने ग्लास में पानी भरा और लड़के ने, आप ये कह दें कि कमरे में पानी भरा या कमरे में वो मौजूद था और उसने वो पानी भरा में फर्क होता है, लेकिन लड़के ने ग्लास में पानी भरा तो ग्लास ऑब्लिक रिलेशन है भरना के साथ, लड़का जो है वो नाउन रिलेशन नॉमिनल सब्जेक्ट है और पानी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ओबल की सारी एग्जांपल्स आ गई, तो ये सारी चीजें ओबल से डील हो रही हैं। ये इवन मैंने उर्दू कॉर्पस में देखा था, बाज जगह पे नाउन मॉडिफायर के तौर पे भी डील हुआ है, तो नाउन मॉडिफायर हमेशा नाउन नाउन के दरमियान में आता है, तो ये नाउन मॉडिफायर नहीं है, ये एडवर्बियल मॉडिफायर नहीं है, एडवर्बियल मॉडिफायर की डेफिनेशन आगे आ रही है। इन सारी चीजों को वर्ब और नाउन के दरमियान में रिलेशन बनता है तो उसे ओबल कहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो ओबल बनता है। तो ये ऑब्लिक की बहुत सारी एग्जांपल, तो इसी से पता चल रहा है कि आपके पास ज्यादातर चीजें ओबल ही होंगी सेंटेंस लेवल पर। एडवर्बियल मॉडिफायर ऑफ अ वर्ड इज अ नॉन क्लॉजल एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दैट सर्व्स टू मॉडिफाई अ प्रेडिकेट और मॉडिफाई अ वर्ड। लेकिन जब इनके एक तरह से इंपॉर्टेंस है, जो चीज सब्जेक्ट बन गई वो सब्जेक्ट है, जो चीज सब्जेक्ट नहीं बन पाई हम कहेंगे वो ऑब्लिक, क्या वो ऑब्लिक बन सकती है, जो चीज ऑब्लिक नहीं बन पाई फिर हम ये कहेंगे कि क्या वो एडवर्बियल मॉडिफायर बन सकता है। यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो सब्जेक्ट को भी एडवर्बियल होना चाहिए, लेकिन वो डील नहीं कर रहे, तो पहले ऑब्लिक की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, जो चीजें ऑब्लिक नहीं बन पाएंगी उसे फिर हम एडवर्बियल मॉडिफायर कहेंगे कि वर्ब का क्या है। अच्छा, एडवर्बियल मॉडिफायर में भी और नेक्स्ट आ रहा है एक्सकॉम्प में भी, मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो वर्ब्स के साथ वाली बता रहा हूँ, आगे एडवर्ब्स एडवर्बियल मॉडिफायर की नाउन 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 के साथ क्या है या एक्सकॉम्प की क्लॉज के साथ क्या है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम वर्ब और नाउन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम शायद हम नेक्स्ट टाइम हम जब क्लॉज देखेंगे तो इनकी मजीद एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एडवर्बियल मॉडिफायर क्या बचा, एडवर्बियल मॉडिफायर में एक आधी एग्जाम्पल बची कि लड़के ने ग्लास में पानी नहीं भरा, तो लड़के सब्जेक्ट हो गया, ग्लास ऑब्लिक हो गया, पानी ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्बियल मॉडिफायर जो है नहीं जो है वो एडवर्बियल मॉडिफायर है, और नहीं का पार्ट ऑफ स्पीच पार्टिकल इसने असाइन किया है और ये नहीं एडवर्बियल मॉडिफायर है। तो जो चीजें नाउन नहीं है, जो टेम्पोरल और लोकेशन वाले वाले मॉडिफायर नहीं है, उनमें से कोई, उनको सिर्फ हम एडवर्बियल मॉडिफायर कर सकते हैं वर्ब्स की। तो नहीं ही एग्जांपल आ रही है, या अगर तो हो गया या ही हो गया या भी हो गया, ये अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये सारे पार्टिकल्स एडवर्बियल मॉडिफायर्स होंगे, बाकी सारे बाकी सारी चीजें जिसे आम जबान में हम एडवर्ब्स कहते हैं वो ऑब्लिक में जाएंगी। अच्छा, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच वाली बात भी है, जो आज जो है बहुत सारी जगहों पे, वो पिछली में रह गया, आज को एज एडवर्ब लिखा जाता है, यहाँ पे हमने तय कर दिया है कि इसे नाउन लिखेंगे, आज कल वगैरह सबको, इनको एडवर्ब्स नहीं लिखेंगे, यहाँ वहां इन सबको नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे।
तो लड़के ने ग्लास में पानी नहीं भरा, नई बात इसमें यह है कि नहीं जो है वो एडवर्बियल मॉडिफायर है भरना के साथ, और ये चंद एग्जाम्पल जो वर्ब के साथ जो एडवर्बियल मॉडिफायर की आती है उसमें उसमें से ही एक ही है। ये खत्म हो गया। तो सेंटेंस लेवल की बात के मेजर चीजें देख लें। लास्ट टाइम हमने एक्सकॉम देखा था, यानी हमें अभी तक जितने सेंटेंसेस देखते हुए आ रहे हैं उसमें वर्ब जो है वो रूट होता है और वर्ब के साथ सब्जेक्ट होता है, रिलेट होता है, उसी के साथ ऑब्जेक्ट रिलेट हो रहा होता है, ये सारे वर्ब के तौर पे रूट वाले होता है। और नॉर्मली ये सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, या सब्जेक्ट में प्रोटो एजेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं और ऑब्जेक्ट में प्रोटो एजेंट प्रॉपर्टीज प्रोटो पेशेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, ये नॉर्मली बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम रिलेशन उनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे होते बल्कि उन्हें कुछ और कह रहे होते हैं। लास्ट टाइम देखा था लड़की ज़हीन है, लड़का ईमानदार है, लड़का कमरे में है, उन सारी एग्जांपल्स को हमने कहा था कि ये मॉडल होती हैं कॉपुला से। और फिर कॉपुला में दूसरी चीज़ ये देख ली थी कि कॉपुला है अगर आ रहा है, था, होगा, आ रहा है तो वो कॉपुला होगा। इसके अलावा लड़का वकील बन गया वो वाली एग्जांपल, या बिल गॉट रिच वाली एग्जांपल, वो सारी एक्सकॉम्प होंगी। तो एक्सकॉम्प को इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और देखना है। एक्सकॉम्प के एक और कॉन्टेक्स्ट भी है जो एग्जांपल नंबर आप 4 देख लें। पहले आई स्टार्टेड टू वर्क, तो स्टार्टेड टू वर्क मैंने काम करना शुरू किया, तो काम करना हो गया। और ये सारी या टू वर्क जो इन्फिनिटाइवल क्लॉज है ये भी इसके साथ भी एक्सकॉम्प जाता है, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यू लुक ग्रेट, तुम अच्छे लगते हो, तो यू और ग्रेट, ग्रेट जो है वो यू का एक रिलेशन है, एक उसकी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है। तो इस वजह से हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो यू ग्रेट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता, बल्कि क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है तो इस वजह से हम लुक को मेन वर्ब कहा, लेकिन लुक का यू सब्जेक्ट है और ग्रेट एक्सकॉम्प है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो चीज़ ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रही है, यानी सेकेंड आर्गूमेंट है, वो लाजमी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट ही हो। अगर उसमें प्रोटो पेशेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जैसी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं कि उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्शन परफॉर्म होके उस पर वो चेंज हो रहा है, तो फिर तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, वरना उसका रिलेशन कुछ और हो जाएगा। जनरली हमने कहा था कि ऑब्लिक हो कह देंगे, पार्टिसिपेंट है या लोकेशनल टेम्पोरल मॉडिफायर है तो वो ऑब्लिक हो जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट का की प्रॉपर्टी बता रहा है, उसकी कोई एट्रीब्यूट बता रहा है, तो उसको फिर हम, और वो वर्ब भी या है नहीं है, तो हम उसे एक्सकॉम्प कहेंगे। तो यू लुक ग्रेट में ग्रेट वर्ब का एक्सकॉम्प है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑबल नहीं है, बल्कि एक्सकॉम्प है। क्यों एक्सकॉम्प है? क्योंकि ग्रेट जो है वो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मैं कंप्यूटर साइंस के टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप एट्रीब्यूट कह लें, उसकी क्वालिटी कह लें, एडजेक्टिव, ये एक तरह से उसमें एडजेक्टिव रिलेशन कह लें। अच्छा, आई स्टार्टेड टू वर्क वाले एग्जाम्पल अभी हम नहीं देख ले। अच्छा, ये पिछली वाले एग्जाम्पल तो वो पहली नंबर 3 वाले एग्जाम्पल तो लास्ट टाइम भी हो गई थी। अब ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन में आ सकता है, आई कंसिडर हिम अ फूल। तो आई सब्जेक्ट है, कंसिडर हिम मैं उसे समझता हूँ, तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, अ फूल जो है वो हिम की प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि वो हिम की प्रॉपर्टी है तो इसका रिलेशन भी कंसिडर के साथ एक्सकॉम्प होगा। कोई इसमें बात कर सकता है कि इसका रिलेशन हिम के साथ होना चाहिए, कुछ ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ये करते भी हैं कि इसके रिलेशन ये बनाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ने कहा है कि सारे रिलेशंस वर्ब के साथ ही होंगे। तो फूल जो है वो ये कह रहे हैं कि एक्सकॉम्प फूल जो है वो किसी और आर्गुमेंट का एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है ये हमें फैसला करना है कि वो सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है या ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हिम का एट्रीब्यूट है फूल, आई कंसिडर हिम अ फूल, आई सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट फूल है।
एक्सकॉम हमें बता रहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कि फूल जो है वो इस क्लॉज में से किसी पार्टिसिपेंट का एट्रीब्यूट है। इसी तरह से आई कंसीडर हिम ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट के दरमियान में एक्सकॉम, कंसीडर और ऑनेस्ट के दरमियान में एक्सकॉम है, तो आई भी ऑनेस्ट हो सकता है, हिम भी ऑनेस्ट हो सकता है। ये हमारी ग्रामर की नॉलेज है, वो बताएगी कि दोनों में से कौन ऑनेस्ट है। तो इस तरह की कंडीशन आप इसे डाई ट्रांजिटिव नहीं कह सकते, यानी गलतियां ये हो जाती हैं कि हम कहें ये डाई ट्रांजिटिव है, आई कंसीडर हिम अ फूल, हिम को हमने कह दिया ऑब्जेक्ट है, अ फूल को हमने कह दिया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या वाइस वर्सा कि हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ फूल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अ फूल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इस पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये एक तरह की का एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट का, और जो सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं अगर वो बी वर्ब के साथ नहीं आ रहे हों, है के साथ नहीं आ रहे हों, तो वो एक्सकॉम्प होते हैं। अगर वो बी या है के साथ आ रहे हों तो फिर वो कॉपुला कंस्ट्रक्शन आ जाती है जो लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी। तो इनको थोड़ा सा एहतियात से देखना पड़ता है। तो आखिरी एग्जाम्पल यही थी, लड़की लड़के को जहीन समझती है। तो लड़की जो है वो सब्जेक्ट हो गया, लड़के को ऑब्जेक्ट हो गया, और जहीन जो है वो एक्सकॉम्प है वर्ब समझना का। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वर्ब के साथ एक्सकॉम्प रिलेशन बना रहे होते हैं, और ये हमारे पास यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पे, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर में ये नहीं पता हो रहा होता कि जहीन जो है वो सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है या ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, ये हमें किसी और तरह से पता करना होता है। क्योंकि अक्सर सेंटेंसेस बाज लैंग्वेजेस के बाज कंस्ट्रक्शंस में जो एम्बिगुअस होता है, तो उस एम्बिगुटी को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, बस ये बता दिया गया। तो एक्सकॉम्प इस इन कंस्ट्रक्शंस में एक्सकॉम्प इस्तेमाल होता है। तो एक्सकॉम्प सिर्फ दो पार्टिसिपेंट वाले में इस्तेमाल होता भी होता है कि लड़की जहीन है, लड़का जहीन है, लड़का जहीन लगता है, अगर मैं कहूँ तो लड़का और जहीन, लड़का सब्जेक्ट है और जहीन एक्सकॉम्प है, और लड़की लड़के को जहीन समझती है में जहीन जो है वो एक्सकॉम्प है। उसी तरीके से लड़का जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया और लड़की सब्जेक्ट हो गया। तो ये कुछ मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो किताबें हैं, उसको किस तरह से डील करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो ये नॉन कैनोनिकल चीज़ें जिस पे दूसरे केस मार्कर्स आ रहे हैं, ये कौन सी चीज़ सब्जेक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ये एक ओपन क्वेश्चन है। तो अभी तक मैं जो कर रहा हूँ, एक तरह से जो मेन जो लिस्ट दी हुई है रिलेशन डिपेंडेंसी रिलेशंस की, उसकी आपको एग्जांपल ढूंढ के दे रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे, जैसे मेरे पास चार किताबें हैं और मुझे ये बात मालूम है और बहुत सारी चीज़ें, इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि ये आप पॉइंट आउट करें लास्ट और सेकेंड लास्ट लास्ट सेशन में, मैं कहूँगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सेंटेंसेस हैं जो हमने कवर नहीं किए, फिर हम उन्हें देखेंगे कि उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, उनको किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसपे या ऐसे रिलेशंस या ऐसे फ्रेजेज जिनमें ने और को इस्तेमाल ना हो रहा हो, उनके ग्रामेटिकल रूल्स क्या होंगे, क्या और खास, क्या वो सब्जेक्ट होंगे नहीं होंगे, ये एक ओपन क्वेश्चन अभी छोड़ के जा रहा हूँ, 2-3 सेशन बाद इसे डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट चीज थी, इसे मैं अपडेट करके फिर जो दो तीन गलतियां हैं उसे अपडेट करके अपलोड कर दूंगा, और फिर प्रेजेंटेशन और इस की चीजें भी अपलोड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का?